आपको ये समझना होगा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको आप अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, दूसरे वो जिनको नहीं देख रहे हो। आपको पता है कि ये मेरे साथ जो इंसान है वो पूरी तरह से अंदर से बेईमान है, मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है, वो आपकी वैल्यू नहीं समझता है। उन लोगों से जितना जल्दी हो आपकी रिलेशन ख़त्म करो। जितना जल्दी तुम ख़त्म करोगे उतना अच्छा रहेगा। सबसे पहले ये समझो कि क्या तुम्हें खुद पे ट्रस्ट है। कोई भी आपकी मनपसंद चीज़ आपके सामने पड़ी है और आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपने खा ली, तो क्या खुद ट्रस्टेबल हो? कोई चॉकलेट पसंद है, कोई आइसक्रीम पसंद है और वो आपको अगर डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो क्या आप उसको खा कर अपने आप को जो हार्म पहुंचा रहे हो, तो क्या पहले ये बताओ कि आप खुद ट्रस्टेबल हो? हमें हमेशा सामने वाले से ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, है ना? कैसा बिहेव करना चाहिए? कि जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिहेव करे, जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिहेव करे, ऐसे ही हमें उसके साथ बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी बाउंड्रीज पता चल जाएगी कि अच्छा ये मेरे साथ में ऐसे बिहेव कर रहा है, तो मुझे भी इसके साथ में कुछ इस तरीके से ही रहना होगा। कुछ बाउंड्रीज ऐसी होती हैं जो हमें शुरू में ही सेट करनी पड़ती हैं, वरना वो रिश्ता किस हद तक गलत चला जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। सोलमेट बनने के लिए या किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए आपको एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी होती है। जब तक आप रेस्पेक्ट नहीं करते तब तक प्यार भी नहीं है। अगर किसी से, मान लीजिए आप प्यार से बात कर रहे हैं, आपने अच्छे से बात की और वो आपसे अच्छे से बात ना करे, तो आप क्या करोगे? अगर वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, आप फाइट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप भी कुछ टाइम बाद में उससे लड़ोगे ही ना। तो ऐसा कोई भी रिलेशन आप जोड़ रहे हैं और वो सामने वाला आपकी रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, हर वक्त आपसे लड़ाई कर रहा है या फिर आपको ताने मार रहा है, कुछ भी अनर्गल बातें कर रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे? कितना टाइम उसे बर्दाश्त कर पाओगे? आप रेस्पेक्ट दिए जा रहे हो, वो नहीं दे रहा है, तो कितना टाइम आप उसके साथ में रह पाओगे? और अगर रह भी लोगे तो खुद के मन को मार मार के रहना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी लोग हों, कहीं पर भी आप जाएं और अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो पूरा दिन आपका बिगड़ता ही है। तो ऐसे ही इंसान के साथ में रह कर आप अपनी पूरी लाइफ तो ख़राब नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई रिलेशन आपके साथ में हो या ऐसा कोई हो, तो कोशिश करो कि उससे बाहर निकलो। एक बार अगर आप फंस गए तो अंदर फंसते ही चले जाओगे, निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला काम तो आप ये करो कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो। कोई भी किसी भी तरह के नेगेटिव लोग हों, जो आपको लगता हो उनके मेरे पास में आने से ही मुझे नेगेटिविटी आ जाती है, ऐसा कोई रिश्ता हो, ऐसा कोई इंसान आपके साथ में हो, तो आप उससे थोड़ा दूरी बना लीजिए। अगर आपके घर में ही है तो भी आप थोड़ा सा काम रहिए, शांत रहिए और उनसे थोड़ा अपने आप को दूर कीजिए। अपने में थोड़ा सा वक्त लगाइए, अपने आप को समझिए कि मुझे क्या चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? अगर आप अपने में ही ध्यान लगाएंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। बाकी नेगेटिव लोगों के साथ में आप कभी भी कोई भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। उनके साथ में रह के आप सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएंगे, अपने आप को नीचे ही धकेलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाएगा, अपने आप को ख़त्म करेंगे आप। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी है, नेगेटिव लोग हैं और आपको उनकी वाइब्रेशन से ही ऐसा लग रहा है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ से उठकर चले जाइए, थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ जाइए। अगर बिल्कुल नहीं बन रही है तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही आपके लिए सही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप वो रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उनके साथ रहना आपकी मजबूरी है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा उनसे दूरी बनाइए। तब जाकर जब विचार आप दोनों के थोड़े थोड़े भी अगर मिलने लगेंगे, या किसी हर चीज़ में लड़ाई है, हर चीज़ में झगड़ा है, तो आप कैसे आप एक दूसरे से कंफर्टेबल रह पाएंगे? इसलिए कोई भी अगर आप निकल सकते हैं उस रिश्ते से, नेगेटिव लोग हैं, आपको लगता है कि आप रिश्ते से दूर जा सकते हैं, तो पहले चले जाइए। लेकिन अगर आप किसी भी रिश्ते में इस तरीके से फंसे हुए हैं तो आप नहीं निकल पा रहे उस रिश्ते से, तो उसी घर में ही उससे थोड़ी दूरी बनाइए। दूसरे वो लोग जो हर वक्त आपको क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, हर वक्त आप में बस गलतियाँ ही निकालते रहते हैं, हर वक्त आपको बस गलत ही बताते रहते हैं, कहीं आपकी अच्छाई है ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल ये दुनिया के सामने साबित कर दिया है। तो आप खुद ही सोचिए, ऐसा कोई भी इंसान अगर आपकी क्रिटिसाइज ही करता रहेगा, आपको कभी अच्छा कहेगा ही नहीं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे?
आप दुनिया की नज़रों में या अपनी ही नज़रों में कैसे आगे जाएंगे। थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए। कोई भी नेगेटिव लोग, कोई भी आपकी हर वक्त क्रिटिसाइज भी करता रहे, आपको हर वक्त नीचे ही दिखाता रहे, ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाइए। कोशिश तो हमेशा यही होनी चाहिए कि इन लोगों को पहले ही पहचान लिया जाए और इनसे दूरी बना ली जाए। लेकिन होता है, किसी वक्त हम किसी इंसान के साथ में इस तरीके से फंस जाते हैं, ना तो वहाँ से निकलते बनता है, ना ही वहाँ रहना बनता है। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर वो आपकी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा बनिए और ऐसा बन के दिखाइए कि ये जो क्रिटिसाइज़ जिन लोगों के सामने की गई है, वो लोग भी उस इंसान को गलत साबित कर दें कि तुमने गलत बोला था उस वक्त, ये इंसान ऐसा नहीं है। तो ऐसा कुछ कीजिए, अपने में थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और ऐसे कुछ रिश्ते हों जो आपको परेशान कर रहे हैं तो उसे निकल जाना ही अच्छा होता है। अगर आपको एक दूसरे की रेस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी होगी। किसी भी रिश्ता हो, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी का हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बस वहाँ से निकलना है, बस निकल जाइए और खुश रहिए, प्यार बांटिए, आगे बढ़िए, खुशियाँ बांटिए।